यदि आपके बच्चे की उम्र 6 साल से कम है और आप उसे शांत रखने, खाना खिलाने और बहलाने फुसलाने के लिए मोबाइल पर वीडियो दिखाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। ब्रेन इंजरी एक्सपर्ट और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्वारो विलवाओ ने शोध के जरिए खुलासा किया है कि 6 साल से कम उम्र में स्क्रीन के संपर्क में आने वाले बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने वाले बच्चों की तुलना में उनकी एकाग्रता कम होती है, याददाश्त में कमजोरी आती है और यहाँ तक उनके मन मस्तिष्क में बचपन की यादें भी धुंधली हो जाती हैं। बच्चों को अपनी दिलचस्पी भी पता लगने में दिक्कत आती है, जो उनके जीवन में आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वे बताते हैं कि स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एडिक्शन जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसका असर बच्चे के व्यक्तित्व में लंबे समय तक रहता है। ऐसे में वे सलाह देते हैं कि भावनात्मक और बौद्धिक रूप से विकसित होने के बाद ही बच्चों के हाथ में स्क्रीन डिवाइस देनी चाहिए। माता पिता कई बार बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए स्क्रीन देखने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर देते हैं। यह एक बच्चे को 800 सीसी की मोटर बाइक देने जैसा खतरनाक होगा, जिसमें अभी अभी चलाना सीखा है। स्वास्थ्य विकास के लिए एक ओक के पेड़ के पोषण का उदाहरण देते हुए कहा जाता है कि बीज से परिपक्वता तक के लिए बच्चों को शारीरिक सुरक्षा, सुरक्षित वातावरण और माता पिता के हाथों पोषित होने की ज़रूरत होती है। माता पिता पर बच्चों के विश्वास पर भी सकारात्मक भूमिका होती है। हाल के वर्षों में बच्चों की स्क्रीन से दोस्ती माता पिता के लिए बड़ी चिंता का विषय है। स्टडी में यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे स्क्रीन पर कितना वक्त बिताते हैं। 18 माह से कम उम्र के बच्चों को परिजनों से वीडियो चैट के अलावा स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। 18 से 24 महीने के बच्चों को माता पिता कभी कभार एजुकेशनल कार्यक्रम दिखा सकते हैं। 2 से 5 साल के बच्चे में गैर शैक्षणिक स्क्रीन समय हफ्ते में 1 घंटे और एजुकेशनल वीडियो का समय हफ्ते में 3 घंटे से कम होना चाहिए। छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम इससे अधिक होना खतरनाक है। इस बीच कहा जाता है कि बच्चों को थोड़ा बोर होने दें, छोटे छोटे टास्क उन्हें क्रिएटिविटी बढ़ा सकती है। आप बच्चों को डांटने से बचिए, इससे बच्चे के दिमाग पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हिस्सा निष्क्रिय होने लगेगा, जो उन्हें चीज़ों का प्रबंधन सिखाने में मदद करता है। बच्चों को कभी कभी बोर भी हो जाने दीजिए, यह उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और याददाश्त को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। JTN न्यूज़ ब्यूरो।